हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। सो व्हाट वी आर कंटिन्यू, वी आर स्टडिंग क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। दिस इज आवर 4th लेक्चर। ओके, व्हाट वी आर स्टडीड इन लास्ट लेक्चर, वी आर स्टडीड आई थिंक सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू पॉइंट विच इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी गॉट अ पॉइंट इन दैट टॉपिक इज कम्युनिकेबल डिजीज। सो टूडे वी आर कंटिन्यूइंग दैट पॉइंट, वॉट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग प्रिवेंट कर सके कम्युनिकेबल डिजीजेस को, ठीक है, पॉज कर सके, रिमूव कर सके टोटली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हमारा, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड शुड ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज। ओके, नॉट ओनली कॉमन कोल्ड, ओके, एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज, ठीक है, एनी डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कोविड। ओके, सो अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नॉट ओनली कॉमन कोल्ड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस इज ऑलवेज और ऑलवेज कवर हिज माउथ एंड नोज। ओके, सो दैट इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेड टू एनीवन एट ऑल। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड या ऑलवेज, हम लोग को अपना खाना पीना हमेशा अच्छे से ढक करके कवर करके रखना चाहिए क्योंकि हमारे फूड में के जरिए ही हमें ज्यादातर बीमारियां होती हैं। मतलब कि जैसे 50% बीमारियां हमारे फूड या हमारे डेली थिंग्स जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हम टेक करते हैं, लाइक वाटर, फूड, ओके, उससे होती हैं। थर्ड क्या हमारा, शुड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्लाइज, एनी टाइप ऑफ फ्लाइज लाइक मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई। देखिए मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, इन सबको बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी डिजीज को कैरी ऑन करने का। ये सभी गार्बेजेस से हमारे फूड मटेरियल पे जाते हैं और फिर फूड मटेरियल हम खाते हैं तो उससे डिजीज स्प्रेड होता है, या फिर ये डायरेक्ट हमारे बॉडीज पे आके बैठते हैं, या इन लोग के बिटिंग से, जो इन लोग के स्टिंग से जो इन्फेक्शन होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हम लोग को ये फ्लाइज से बच के रहना चाहिए। ओके, फिर हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद एनी और एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, हम लोग को किसी भी फिजिकल कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है, लाइक कोविड को देख ले, जो भी पर्सन कोविड से अभी सफर कर रहा है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। ठीक है, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं रहा, कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं रहा है, तो वियर मास्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, कौन कौन सा डिजीज है जो कि एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होते हैं। तो फर्स्ट माउथ से और फूड से होता है और माउथ से होता है। तो जो भी एनिमल्स फूड लेते हैं उससे जो जनरली बहुत ही कॉमन डिजीज पाया जाता है वो है एंथ्रैक्स, ठीक है, और माउथ से है एस्पैरिगलस, ठीक है, ASPERGILLOSIS, ठीक है। देखिए जो एंथ्रैक्स है ना, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है ये, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है, बता देती हूँ मैं, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, लिख दूं मैं बैसिलस, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान देना आप लोग, एंथ्रेसिस, आई थॉट दिस इज, यस, बैक्टीरिया से होता है ये एंथ्रेक्स, और ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे माउथ से होता है, ठीक है, माउथ ना फंगस है, फंजाई से होता है, ये फंगस डिजीज है, ठीक है, ये भी मैं लिख देती हूँ, फंगस, ठीक है। तो दो ये कॉमन, जनरली अगर आप लोगों को पूछा जाए नेम टू जनरली डिजीज पूछा जाएगा, नंबर ही नहीं आ जाएगा, तो आप लोग यही बहुत ही कॉमन डिजीज आप लोग सीखते हो बाय फूड, क्या है, एंथ्रेक्स, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, सेकेंड है हमारा माउथ, जो कि माउथ से होता है, कौन सा है, एस्पैरिगलसिस, जो कि फंगस, फंजाई से होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये देखो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब वो सारे डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो कि प्लांट्स द्वारा होते हैं, तो फर्स्ट क्या है, रस्ट ऑफ वीट। देखिए ये जो रस्ट ऑफ वीट डिजीज है ना, ये एक फंगस डिजीज है, फंजाई से होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फंगस डिजीज है, ठीक है,
और ये सिर्फ वीट प्लांट में ही पाया जाता है. डस्ट ऑफ वीट बहुत ही कॉमन एक डिजीज है और ये सिर्फ वीट में ही मतलब पाया जाता है. ये एयर से, एयर जैसे कि फंगस है तो अब उस पे से एक उसके स्पोर्ट्स पे से उड़ के दूसरे स्पोर्ट्स में, तो ये एयर से फैलता है. दूसरा ये सीड से फैलता है, तो ये एयर और सीड इसका कैरियर होता है. ठीक है, एयर और सीड याद रखना आप लोग. और ये एक फंगस डिजीज है रस्ट ऑफ वीट. सेकेंड है हमारा सिट्रस कैंकर. ठीक है, सिट्रस कैंकर ना एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी मैं लिख देती हूँ. ये बैक्टीरियल डिजीज है, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज. ओके, और लास्ट है हमारा येलो वेन मोजैक भिंडी. ठीक है, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक कहते हैं ओकरा. ठीक है, ये हमारा वायरल डिजीज है, वायरस से होता है. ठीक है, समझ गए आप लोग. तो ये हमारा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स और प्लांट्स. मैंने आप लोग को दो तीन कॉमन डिजीजेस बता दिया. आप लोग एग्जाम्स में ये एक दो पॉइंट्स ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना. अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है फूड पॉइजनिंग. ओके, क्या स्टार्ट है हमारा अब, फूड पॉइजनिंग. तो चलिए उसको देखते हैं. द डिजीजेस कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. ठीक है, वो डिजीजेस. अच्छा, मैं फूड पॉइजनिंग बताने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहती हूँ. एक पॉइंट नहीं, मतलब मैं आप लोगों को एक चार्ट बताना चाहूंगी. ठीक है, वो चार्ट आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा. वो ये है कि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी चार्ट में कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो एक पूरा चार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, हाँ, तो बच्चों जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग ये जनरली 8 डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और उसका मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन और उसका प्रिवेंशन, ये चारों पॉइंट पढ़ेंगे. अगर आप लोग ये चार्ट जो है उसको अगर एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर का ना 25% कवर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट बॉक्स में जैसा हमारे क्या है, 4 डिजीजेज हैं. फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो. देखिए, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये इन चारों का प्रिवेंशन सेम है, इसलिए इसको एक बॉक्स में किया गया, ऐसे ऐसे टेबल डिवाइडेड है. ओके, तो फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि किसके कॉन्टैक्ट से होता है, एयर के कॉन्टैक्ट से होता है. ठीक है, अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है और अगर आप उसके एयरली कॉन्टैक्ट में जाते हो तो आपको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ये एयर से है. मिजल्स क्या है, वायरल डिजीज. देखिए, मिजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो तीनों वायरल डिजीज है. आप लोग में से तो बहुत लोगों को चिकन पॉक्स हुआ होगा, तो आप लोग उसका एक्सपीरियंस रहोगे. ठीक है, तो ये तीनों वायरल डिजीज है जो कि एयर के कॉन्टैक्ट से तीनों होता है, बट पोलियो वाटर के कॉन्टैक्ट से भी होता है और चिकन पॉक्स फिजिकली कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है. चिकन पॉक्स में जो हमारा लिक्विड होता है, अगर वो किसी और की बॉडी में टच होगा तो फिर उसके बॉडी में भी हो जाएगा, क्योंकि वो वायरल डिजीज है. ठीक है, तो इसके लिए प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो भी हमारा पेशेंट है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, कंप्लीट अलग बाकी मेंबर्स से. ठीक है, सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स को दूर रहना चाहिए उस पेशेंट से. अब ऐसा नहीं है कि दूर रहना चाहिए, एकदम छोड़ ही दें उसको, बेचारे को कुछ कर ही नहीं रहे. कंप्लीट आइसोलेशन इन द सेंस सेफली हम लोगों को उस पर वर्क करना चाहिए या डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए. ओके, और फिर उसका वैक्सीनेशन हम लोगों को एक सुटेबल एज पे और एक प्रॉपर टाइम दोनों को देख करके हम लोग को उसका वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए. सेकेंड हमारा क्या आता है, कॉलरा टाइफाइड, जिसका हम लोग का प्रिवेंशन क्या होगा, सेम होगा. कॉलरा टाइफाइड दोनों बैक्टीरियल डिजीज है. ओके, दोनों वाटर के से होता है, जैसे टाइफाइड ओनली वाटर से होता है. वाटर से कैसे होगा, आप देखिए, जैसे कि हम लोग खुले में वाटर रख दें. ओके, जैसे कि पहले तो किसी भी कंज्यूम्ड मटेरियल को खुले में नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छे से प्रॉपर ढक के रखना चाहिए. तो अगर मान लीजिए हम लोग खुले में वाटर रख दें, अब उस पर क्या होगा, कहीं से भी आके फ्लाइज बैठेंगे, मान लीजिए मॉस्किटोज बैठे या हाउस फ्लाइज बैठी, अब क्या होगा, बैक्टीरिया वाटर में मिल जाएगा, फिर हम लोग उसको पिएंगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया हमारे में जाएगा और इससे हम लोग क्या, टाइफाइड और कॉलरा बढ़ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं होने के. तो ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है, दोनों वाटर कॉन्टैक्ट से होता है, कॉलरा फूड से भी हो जाता है. अब इसका प्रिवेंशन क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड स्टेशनरी हैबिट. ठीक है, सॉरी, सैनिटरी हैबिट. सैनिटरी हैबिट मतलब सैनिटाइजेशन, पर्सनल हाइजीन में सारा इंक्लूडेड है. ठीक है, तो हम लोग अपना पर्सनल हाइजीन, तो पहले पर्सनल हाइजीन में हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी आ जाता है. ओके,
फिर क्या है हमारा, कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड। हाँ, हमें कच्चा भोजन या अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को बॉयल्ड ड्रिंक वाटर पीना चाहिए, ठीक है। बॉयल्ड वाटर क्यों पीना चाहिए, क्योंकि बॉयल्ड वाटर ना, बॉयल्ड वाटर में जो सारे हमारे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, या उन लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उन लोगों को प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलता है अपना रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बॉयल्ड वाटर पीना चाहिए। फिल्टर का पानी भी हम लोग पी सकते हैं, बट फिल्टर के पानी में क्या होता है, सारा चीज़ हम उसका, जितना भी पानी में हमारे बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, सारी चीज़ हट जाते हैं फिल्टरेशन की वजह से। बट अगर हम लोग बॉइल्ड पीते हैं तो हमारे जितने भी बेनिफिट्स वाले सब्सटेंस हैं वो उसमें रहते हैं, और जो जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल हार्मफुल मटेरियल वो हट जाते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी। ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है तो ऐसे भी खतरनाक है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, वाटर। तो जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर है ट्रांसमिशन, तो क्या होगा, हम लोग को जाहिर सी बात है इसका पहले तो टाइम पे वैक्सीनेशन लेना चाहिए हेपेटाइटिस बी का, और हम लोगों को हमेशा साफ पानी पीने का ध्यान रखना चाहिए और बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, ठीक है, वाटर पीना चाहिए। लास्ट हमारे क्या है, मलेरिया। मलेरिया हम लोग को होता है प्रोटोजोआ से, ये हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही, प्रोटोजोआ से जो क्या होता है मलेरिया, इसको मॉस्क्यूटो को काटने से हम लोग को मलेरिया होता है, ठीक है। मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिल्स, ठीक है, एनोफिल्स, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना, फीमेल एनोफिल्स जो मॉस्क्यूटो जिससे मलेरिया होता है, ठीक है, तो वो है। इसका क्या है, हम लोग को हमेशा मस्क्यूटो नेट तो पहले यूज़ करना चाहिए। देखिए मस्क्यूटो नेट ही अक्सर हम लोग को यूज़ करना चाहिए, ऐसे तो मस्क्यूटो को भगाने के लिए कितने सारे स्प्रेज हैं, कॉइल्स हैं, गुड नाइट और पता नहीं क्या क्या है, बट ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल ही होता है। जैसे स्प्रे है, तो स्प्रे हमारे साथ साथ जब अगर हम लोग स्प्रे अपने रूम में स्प्रे कर रहे हैं तो क्या होगा, मॉस्क्यूटोज़ के साथ साथ स्प्रे को हम लोग भी कहीं ना कहीं इनहेल करेंगे, तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो या कोई भी, जैसे कि अब जैसे हम लोग जो कॉइल करते हैं, कॉइल लगाते हैं, या आजकल तो बहुत सारे इनसेन स्टिक्स भी आने लगी हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे लिए भी, इन सारे गैसेस को हम लोग भी इनहेल करते हैं, तो ये हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। तो इसलिए हम लोग को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेट का यूज़ करें, मॉस्क्यूटो नेट का यूज़ करें, ठीक है। और कहीं भी हम लोग को पहले तो खुले में पानी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी में मच्छर पनपते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सारे हैं प्रिवेंशन किसी को मलेरिया को दूर करने के, ठीक है। और इसका वैक्सीनेशन तो नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ से है, इसका दवा वा आता है, टाइम पे लेना चाहिए। तो ये था हमारा कुछ कॉमन डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये सारे ह्यूमन डिजीजेस हैं, ओके। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अभी फूड पॉइजनिंग देखते हैं। तो आइए, द डिजीज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। वो डिजीज जो कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से होती हैं, उसको कहते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग। वैसे वो फूड जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस होता है, उसको हम, उस फूड को खाने से जो भी हम लोग को डिजीज होता है उसको कहेंगे हम लोग फूड पॉइजनिंग, ओके। समझ में आ गया। अब देखते हैं फूड पॉइजनिंग से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो डिजीजेस कॉस्ट क्या है, वोमिटिंग, ठीक है, उल्टियां होती है हम लोग को, डायरिया। डायरिया क्या होता है, लूज मोशन, ठीक है, ये आप लोग को अक्सर होता है बच्चों को, ठीक है, तो लूज मोशन। फिर क्या हमारा हेडेक, फीवर, ये सब हमारे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग से, या हमारे कॉमन डिजीजेज हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अब हम लोग फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब भाई जब फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो फूड को प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब फूड का रख रखाव, फूड का बचाव, ठीक है। द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल इज गिवन अ सुटेबल फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल को एक फिजिकल और एक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ताकि उसको स्पॉयलेज से बचाया जा सके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसके पूरे हम लोग 6 प्रोसेस पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग, ठीक है। सन, हम लोग पता है कि सन ड्राइंग से भी हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फूड है, लाइक क्या, स्पेनेच हो गया, मेथी लीव्स हो गया, कर्ली फ्लावर, ये सबको क्या करते हैं हम लोग अपने घर में ना, इसको हम लोग अगर धूप से सुखा देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा दिन तक ये सारे चीज काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था सन ड्राइंग से कैसे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सो एक और इसका नाम हम लोग कह सकते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से भी हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं। सेकेंड हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग, इसमें आ जाता है हमारा मिल्क, ठीक है। आप लोग देखते हो जैसे ही आप लोग के घर में दूध आता है, ठीक है, तो आप लोग की मम्मी क्या करती है, उसको सबसे पहले गर्म करती है। क्यों गर्म करती है, ताकि उसका जो
नॉर्मल टेम्परेचर है उससे हटके वो ज़्यादा हो जाए, ताकि जो भी बैक्टीरिया हैं उनको उनका प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले ग्रोथ करने के लिए। तो सेकंड है हमारा हीटिंग, ठीक है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। थर्ड है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। ये तो आप लोग जानते हो कि गर्मी के मौसम में हम लोग अपना खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं, आप लोग ब्रेड या कोई भी खाना अब फ्रिज में क्यों रखते हो, ठीक है। तो उसका हम लोग देखिए इसीलिए हम लोग हीट और कोल्ड किसी भी चीज़ को करते हैं, ताकि जो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी फूड का वो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए। तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर, तो क्या होगा, बैक्टीरिया को एक प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलेगा ग्रोथ करने के लिए, और बैक्टीरिया फिर अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हीटिंग करते हैं और हम लोग कूलिंग करते हैं। हीटिंग में क्या, मिल्क को गर्म करते हैं, वो एग्जाम्पल हो गया। कूलिंग में हम लोग अपना खाना जनरली क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, वो हो गया। अब फोर्थ क्या है हमारा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग में हम लोग क्या करते हैं, मीट और डीप फ्रीजिंग हम लोग क्या करते हैं, मीट और फिश ये सबको रखते हैं ना, उसको इन लोगों को ज्यादा फ्रीजिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये इन लोगों का जो अंदर से टेम्परेचर होता है ना वो हाई होता है। तो डीप फ्रीजिंग से भी हम लोग ये मीट फिश लाइक डिशेस को बचा सकते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सुगर एंड सॉल्ट। सुगर एंड सॉल्ट कैसे, सॉल्ट जैसे कि हम लोग जो देखिए हम लोग का जो चटनी वटनी ये सब होता है ना, चटनी ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स को ठीक है, लाइक मैंगोस को, लेमन को, जो पिकल्स में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पिकल्स में क्या, हम लोग नमक वमक सारे मसाले को डाल कर रखते हैं, जैसे कि वो प्रिजर्व हो। जैसे कि आप लोग कभी देखे हो कि आप लोग अब जनरली आम अपना रख देते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, कुछ दिन में खराब हो जाता है। बट अगर आप लोग अपना जो आप लोग की दादी अम्मा जो घर पे पिकल्स बनाती हैं आप लोग वो रखते हो, तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। क्या रीजन है, यही रीजन है क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट होता है हमारे पिकल्स में वो प्रिजर्वेशन का काम करता है, बट आप लोग का जनरली जो आम होता है वो प्रिजर्वेशन का काम नहीं करता है। तो ये हुआ उसका। सुगर क्या है हमारा, कभी भी जैम खराब नहीं होता है, ठीक है, जैम ठीक है, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल ये सबका जैम जो होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे पिकल्स में भी सुगर का यूज होता है, ये सब प्रिजर्वेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सुगर एंड सॉल्ट। फिफ्थ क्या हमारा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय विनेगर, विनेगर एसिटिक एसिड ओके, एंड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। जैसे कि ऑयल मस्टर्ड ऑयल तो हम लोग पिकल्स में यूज करते हैं, बहुत ही बार विनेगर भी पिकल्स में यूज होता है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को दूर रखता है खुद से, क्योंकि ये सब एक एसिड होते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बैक्टीरिया उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलता है अपने ग्रोथ के लिए। तो ये हो गया मस्टर्ड ऑयल। जैसे कि आप लोग के पिकल्स में आप लोग के घर में बहुत ज्यादा ऑयल डाला जाता होगा, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो उससे क्या होगा, हमारा फूड प्रिजर्व होगा, जैसे कि हम लोग अपने पिकल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। लास्ट क्या हमारा, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एयर टाइट पैकेट्स, ठीक है। अब फूड का प्रिजर्वेशन एयर टाइट पैकेट, जैसे कि आप लोग एयर टाइट में तो जनरली बहुत सारा, आप लोग के कुरकुरे चिप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले एयर टाइट होते हैं। अगर वो एयर टाइट ना हो तो जो आपके चिप्स होते हैं या जो भी आप लोग के क्रंच होते हैं, कुरकुरेज होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए वो हम लोग को एयर टाइट पॉलिथिन बैग्स में मिलता है। तो ये हमारा एक एयर टाइट पैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर टाइट तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए, आप लोग की डेली लाइफ में आप लोग यूज करते हो गए, आई होप ये बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ये एक पूरा ब्रॉड पॉइंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, फिर नाइट्रोजन साइकिलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा आप लोगों के पास। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अ बेस्ट नोट्स। दिस इज अ बेस्ट नोट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर स्कूल्स, ओके। यू कैन कॉपी एंड रिवाइज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स व्हाट आई हैव टॉट। थैंक यू।